हाँ जी स्टूडेंट कैसे हैं आप तो काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में ख्याल चल रहा है जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितने भी बच्चे यूट्यूब पे हैं क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे डेटा देखता रहता हूँ कि कितने बच्चे हमारे कौन से वीडियो को किस तरीके से देख रहे हैं कितने नए स्टूडेंट हैं और कितने ओल्ड स्टूडेंट हैं तो एक समस्या आई है काफी बच्चों का है कि सर जल्दी से जल्दी करा दो और हमारे पास बचे हैं पंद्रह दिन पंद्रह दिन में सबसे पहले हमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यह दोनों बच्चों के लिए होगा सेमेस्टर तीन के लिए भी होगा और सेमेस्टर पांच के लिए भी होगा तो कौन कौन सा कैसे कैसे चैप्टर पढ़ना है पहले हम चैप्टर की बात कर लेते हैं और कौन कौन से चैप्टर यूट्यूब पे डल चुका है क्योंकि काफी बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये चैप्टर मुझे मिल नहीं रहा है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं सभी बच्चों को कहूंगा सबसे पहले आप लीवरेज करिए इसके पीछे वजह है बताने का ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड है और ये आपके पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने में बेनिफिट देता है और इसमें आपको मात्र सिर्फ दो दिन आपको लगाना है और ये आपके एग्जाम में दस से लेके 15 पंद्रह नंबर तक का क्वेश्चंस लगभग लगभग श्योर श्योर पूछा ही जाता है इसके बाद नंबर दो पे आप करें कौन सा चैप्टर करेंगे ई बी आई टी ई बी आई टी या इसको ईपीएस एनालिसिस भी कह देते हैं इसको भी दो दिन ले और इसमें से भी सेम दस से पंद्रह नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर तीन पे आप करें इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ध्यान रखिएगा सीक्वेंस यही फॉलो करिएगा नंबर तीन पे आपको करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर इसमें आपको देखिए पंद्रह दिन बचे हैं और हमारे पास कम टाइम है उसके हिसाब से आप इसमें चार दिन लगाइए और जल्दी कर सकते हैं तो करिए इसमें से भी दस से पंद्रह नंबर का सवाल पूछा जाता है नंबर चार पे करिए आप वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ फॉर्म सर कितने दिन सर टू डेज में ये भी हो जाए क्योंकि समय कम है अगर आप मेरे से स्टार्टिंग में पूछते तो मैं कहता दस दिन लगाइए लेकिन अब आप भी जिन बच्चों ने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो आप भी अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो और आपका मोटिव है कि भैया जल्दी से जल्दी खत्म करना है तो मैं टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है ऑल दो ये हमने चार चैप्टर बताए कि सबसे पहले आपको करना चाहिए और इससे आपको फायदा क्या मिलेगा सर इस सभी चैप्टर से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपका पूरा बेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्ट्रांग हो जाएगा और इस पूरे को हम यूनिट नंबर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो थर्ड में रखता है और इस यूनिट को फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से भी जानते हैं फाइनेंशियल डिसीजन इस यूनिट को फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से भी जाना जाता है आप एस के स्टडी मटेरियल में भी ढूंढते हो तो वहां भी ये मिलेगा टेन ईयर में भी आपको फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से मिलेगा और बाकी अगर आरपी रस्तोगी में जाते हो तो ये सारे चैप्टर अलग अलग नाम से देखने को मिल जाएंगे तो बेसिकली ये वाला हमारा यूनिट है जो कि हमें पहले करना चाहिए अभी मैं मार्क्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दूं। पहले तो हमारा सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम पेपर एनालिसिस ना बाद में अगर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा सर जैसे ही ये खत्म होता है यूनिट हमें फटाफट से यूनिट और मैं अगर YouTube की बात करूं तो YouTube पे देखो मैं टिक मार्क लगा रहा हूं ये इसकी भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसकी भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसकी भी प्ले लिस्ट मिल जाएगी इसकी भी ये पूरा का पूरा यूनिट one to end तक मैंने कराया हुआ है यूट्यूब पे तो सभी का प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा आप ढूंढें क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट जो नए हैं वो ये बोलते हैं सर ये वीडियो नहीं मिल रही तो आप प्ले में जाके देखिए इजी टू आपको सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएगा ठीक है ना इनफैक्ट थमलिन के ऊपर भी पार्ट लिखा हुआ है और हमने डिस्क्रिप्शन में भी पार्ट लिखा हुआ है ठीक है इसके बाद आपने करना है यूनिट नंबर फोर दैट इज डिविडेंड इसके बाद यूनिट नंबर फोर दैट इज डिविडेंड ये चैप्टर ना अभी YouTube पे नहीं डला है अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं और सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपको करना चाहिए यूट्यूब पे अभी नहीं डला है मैं अभी भी बता दूंगा कि यूट्यूब पे कब डलेगा और कैसे डलेगा सारी जानकारी ठीक है ना इसके बाद आप उठाएं यूनिट नंबर फाइव दैट इज पहला चैप्टर करें आप वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल फिर आपको करना है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल फिर आप करें नंबर तीन पे रिसीवेबल मैनेजमेंट। इसी सीक्वेंस में फॉलो करिएगा आप तो आपको बेटर रहेगा समझने में भी और करने में भी सर इस यूनिट की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसमें यह वाला चैप्टर यूट्यूब पे आज कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा डल चुका है। बात करें इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चंस इसमें से आपके बाकी और भी चैप्टर है इसमें इस यूनिट के अंदर यूनिट फाइव में मैं अलग मार्कर से लिख रहा हूं दैट इज कैश मैनेजमेंट और एक है हमारा ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये भी चैप्टर हमारे इसमें है ठीक है ना तो एक चीज आपको ध्यान रखना है सर क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि इन दो इस चैप्टर को बाद में करिए हालांकि ये पहले कर सकते हैं इसको बाद में करना है ठीक है इस यूनिट में से आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस जो लास्ट के होते हैं वो पूछे जाते हैं काफी बच्चों का कहना है कि सर थ्योरी भी है बिल्कुल हर एक प्रैक्टिकल पांच क्वेश्चन हो गए एक क्वेश्चन में आपको एक थ्योरी का पांच नंबर का आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने को अटैच रहेगा जैसे ए पार्ट दस का बी पार्ट आपका ए पार्ट पांच का बी पार्ट दस का ऐसे करके मिलेगा आपको ठीक है इसमें से श्योर श्योर चैप्टर की बात करें तो इसमें से मैक्सिमम टाइम तक पूछा गया है अभी तक तो ये, ये जरूर कर ठीक है बाकी ये जो मैंने करा है यहाँ पे फोर और फाइव नंबर इसको लास्ट में करें मैंने लिख दिया है यूनिट फाइव का पर लास्ट में करें आप सीक्वेंस क्या लेंगे ये 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 फिर डिविडेंड पॉलिसी कर लें क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है फिर वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल आज से डलने लग जाएगा ठीक है ना रिसीवेबल मैनेजमेंट भी डल जाएगा तो हमारे कितने यूनिट हो गए तीन लास्ट आता है हमारा जो कि है यूनिट नंबर टू दैट इज कैपिटल बस्टिंग जो सबसे बड़ा है एक ही चैप्टर है इस यूनिट में आप देख रहे होंगे इस यूनिट में चार चैप्टर इस यूनिट में भी चार चैप्टर और एक ये छोटा यूनिट है वाक्य में छोटा है और एक कैपिटल बस्टिंग जो सबसे बड़ा और सबसे लेंदी है मेरे हिसाब से बुक के अंदर शायद पैंतीस क्वेश्चन बुक में है और टेन ईयर में भी पैंतीस साठ सत्तर क्वेश्चन का ये लिस्ट बनता है कैपिटल बजटिंग का इसमें से आपका एक क्वेश्चन अठारह नंबर या पंद्रह नंबर का आना तय होता है और इसके ऑप्शन में भी कैपिटल बजटिंग ही पूछा जाता है तो इसलिए मैं इसको बाद में कह रहा हूं क्योंकि अगर अभी आपने इसके अंदर टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो शायद आप सात आठ दिन इसमें ले जाओगे और जब सात आठ दिन आपको इसमें लग जाएंगे तो सो दैट लगेगा यार सारा टाइम तो हमारे उस चीज में निकल गए तो अभी देखो आप इसको कम करेंगे फटाफट

थ्री अलग अलग मॉडल है तो तीन दिन लग जाएंगे तो सर आप तो छोटा चैप्टर कह रहे थे तो आप डेज देखिए ना इसके अंदर ज्यादा दो चार चार आठ दस दिन लग रहे थे यहाँ पे ये चैप्टर हमारा अकेला तीन दिन में खत्म हो रहा है ठीक है ना इसके बाद हमारा यूनिट नंबर वन बचता है यूनिट नंबर वन के अंदर टी वी एम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना ये रहता है इसमें से एक छोटा सा क्वेश्चन पांच नंबर का पूछा जाएगा चार नंबर का और थ्योरी आएगा इसमें फर्स्ट यूनिट में से तो ये ओवरऑल हमारा प्रोस्पेक्टिव है अब बच्चों के एग्जाम जो है आई थिंक 26 दिसंबर 27 दिसंबर सत्ताइस जो भी 25 के बाद से एग्जाम स्टार्ट है, है, तो है तो बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी जल्दी वीडियो डालिए तो मैं कोशिश जो कर रहा हूं कि अब वर्किंग कैपिटल के बाद इन चैप्टर जितने भी हैं मैं रेगुलर वीडियो अब डालना चालू करूंगा पहली बार पहले अब जो आ रहा था थोड़ा डिले मेरा पूरा फोकस इस पे है अब मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा ठीक है लेकिन जो 26 दिसंबर तक के बच्चे का इन, जिनका एग्जाम है एक 15 जनवरी को भी एग्जाम है 15 या 14 जनवरी तो 14 जनवरी में जाएं और 25 तो 15 दिन मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसमें करने को तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा मैं ये पूरा का पूरा यूनिट और डिविडेंट डिसीजन वाला मैं रेगुलर डाल डाल के खत्म कर दूंगा यूट्यूब पे इसमें घबराने की जरूरत नहीं है मुझे एक चिंता खाई जा रही है जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग शायद पूरा इतनी जल्दी ना हो पाए शायद मैं पूरी कोशिश करूंगा डाल दूं लेकिन एंड ऑफ टाइम पे आप बोलेंगे आपने कराया नहीं आपने डाला नहीं तो वो चीजें पहले ही क्लियर कर देना पंद्रह दिन पहले नहीं तो फिर आप लोग कैसे ना कैसे करके उसको अरेंज करके सेल्फ स्टडी मोड पर भी पढ़ोगे इसलिए मैं बता दू कि भाई सारे के सारे चैप्टर जो डल चुके हैं सो क्लियरली डल चुके हैं डिविडेंड पॉलिसी भी मैं डाल दूंगा इजीली क्योंकि रेगुलर आज से ये मैंने बोला भाई रेगुलर डालेंगे ये सारे चैप्टर रेगुलर डिविडेंड क्योंकि हमारे पास सिर्फ पंद्रह दिन है तो पंद्रह दिन में हमारे पास लिमिटेशन है कि मैं बीस पच्चीस वीडियो डाल पाऊंगा इससे ज्यादा तो डल ही नहीं पाएगा क्योंकि और भी क्लासेस के वीडियो होते हैं मैं प्रेशराइज करके भी डलवाऊँ अगर तो इतने कर पाएगा वो कैपिटल बस्टिंग के अंदर अकेला ही देखा जाए तो मेरे ख्याल तो 30 से पैंतीस क्लासेस बन जाती है कैपिटल बस्टिंग में अकेला तीस पैंतीस क्लासेस तीस के आसपास बन जाती है तीस क्लासेस मैंने बोला तो इसका मतलब एक क्लास का जो ड्यूरेशन है वो पच्चीस मिनट का रखिए आप एक घंटे की क्लास नहीं है बीस से पच्चीस मिनट एक क्वेश्चन कराने में लगता है थोड़े लेंदी क्वेश्चन होते हैं ठीक है तो मेरी कोशिश रहेगी ये तो मैं पहले क्लियर कर दूं आप जो कैपिटल बस्टिंग है आप साइड बाय साइड आप पढ़ते रहिए और इन चैप्टर के जो सारे यूट्यूब पर डले हुए हैं अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारा टेस्ट वगैरह हो जाए तो टेस्ट का देखो यूट्यूब पे मैं बहुत जल्दी इसी वीक से यूट्यूब पे मैं टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप सभी का टेस्ट का टाइमिंग मैं रख दूंगा इवनिंग में सेवन ओ ठीक है इसके अंदर कैसे टेस्ट रहेगा सर इसके अंदर मैं ऐसा करा करूंगा देखो एमसीक्यू टेस्ट तो होते ही रहते हैं इसके अंदर एक क्वेश्चंस मैं प्रॉपर डाल दिया करूंगा कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पे आपको नौ बजे या आठ बजे जो भी टाइमिंग होगा शेड्यूल मिल जाएगा वो उस पर जाके आपको टेस्ट देना है अब चलो मैं शेड्यूल बाद का क्या चक्कर रखना अभी बात डिस्कस कर लेते हैं आपको आठ बजे का शेड्यूल मिल जाएगा ठीक है ना डेली टेस्ट देने का फायदा नहीं है एक दिन छोड़ के एक दिन जैसे जैसे मैंने चैप्टर बताया है इसी सीक्वेंस में मैं टेस्ट लेना चालू करूंगा तो आठ बजे शाम को यूट्यूब वाले स्टूडेंट को टेस्ट मिल जाएगा उस टेस्ट को देने के बाद अब चेक करना पॉसिबल नहीं है उसका मैं सोल्यूशन फिर अगले दिन अपलोड करा दिया करूंगा कि इस टेस्ट का ये सोल्यूशन है ठीक है या फिर उस टेस्ट के क्या मेन कर्स होंगे किस तरीके से करना वो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा ठीक है दूसरी रही बात सर डाउट का देखो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के डाउट आए ना ठीक है ना मैंने कोशिश किया है आप लोगों के डाउट ना आए ठीक है आए ही ही ना तो उसके हिसाब से मैंने बुक के क्वेश्चंस कराए हैं और पढ़ने का सिंपल सा तरीका देखिए अभी पंद्रह दिन है अभी भी आपको मेरे हिसाब से बुक लेना चाहिए तो पढ़ने का तरीका है आप बुक को बाई करिए बुक और प्लस में आपको टेन ईयर लेना पड़ेगा यानी आप बुक को ले लेंगे बुक से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे उसके बाद फिर टेन ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आप यकीन मानिए अगर आप यूनिट ये वाला कर लेंगे तो आपका जो अभी शायद मोराल ऐसा हो कि यार पंद्रह दिन बाद पेपर है कैसे करेंगे आप पाँच से सात दिन इसके अंदर लगाएंगे आप वैसे डेज देखोगे कुछ बच्चे काउंट भी कर रहे होंगे सर दस और तीन तेरह दिन हो गए और चौदह पंद्रह दिन हो गए कैपिटल बस्टिंग का टाइम नहीं मिल रहा तो देखो अभी फिलहाल फिलहाल के फिलाल, जो बच्चे बिल्कुल भी भी नहीं पढ़े तो मैं आप भी रहे मैं आप सोच कि यार पूरे के पूरे मार्क्स का तो तैयारी नहीं कर सकता लेकिन मैं इतने मार्क्स का तैयारी कर सकता हूँ जिसमें बहुत अच्छे नंबर आ जाए दैट इज मैं मान के चलू कि 80 परसेंट की हम तैयारी कर रहे हैं जिसमें से हमारा मान चलो कैपिटल बस्टिंग हमारा ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट का है।, तो सारे 80 है ना एक चैप्टर को छोड़ के तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपका अच्छे मार्क्स आएंगे और एट्टी परसेंट कॉलेज के अंदर गुड मार्क्स अच्छे मार्क्स माना जाता है तो आपको पूरे ओवरऑल सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करना है पहले तो आपको ये बात जानना है दूसरा बुक और टेन ईयर खरीदना है और उसके साथ साथ आपको स्टडी करना है हंड्रेड परसेंट के लिए अगर आप अभी से करोगे तैयारी तो मैं बता दूं कि तैयारी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इम्पॉसिबल नहीं है मुश्किल जरूर हो जाएगी उसके लिए आपको पूरा एक गाइडेंस चाहिए होगा जैसे कि मैं जैसे कि सपोज करो मैं पेड बैच में बोलता हूँ जो बच्चे पेड बैच में रहते हैं पेड बैच इन देंस में होते हैं तो लाइव क्लास होता है एवरी क्लासेस में मैं बोलता रहता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है आपको उसके बाद डाउट के लिए अलग से नंबर गिबन है तो डाउट ऐसे इंस्टेंट सॉल्व हो जाते हैं तो इस तरीके के जो चीजें आपको अगर होता है स्टार्टिंग से अगर इस तरीके की चीजें जैसे डाउट सॉल्विंग का कोई सेक्शन होता है यूट्यूब पे तो फिर मैं कहता कि हाँ हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियस बात है आप चीजों को ना फास्ट फास्ट करेंगे तो फास्ट फास्ट करने के बाद डाउट डेफिनेटली आएंगे लेकिन मैं कहूंगा कि डाउट जब भी आए वीडियो को फिर से आप देखिए उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि सारी के सारी चीजें बताई जाए तो मैंने क्लियर कर दिया हाँ फरवरी जनवरी में जिन बच्चों का पेपर है जनवरी में वहां तक तो कैपिटल बस्टिंग तक हम पहुंच जाएंगे ठीक है लेकिन अभी फिलहाल दिसंबर वाले टाइम पे शायद कुछ एक पॉइंट कैपिटल बस्टिंग का रह जाए वहां पे बस स्टार्टिंग कर पाए तो आप परेशान हो जाएंगे इसलिए आप ना इन चैप्टर को कंप्लीट करके और उस हिसाब से पढ़िए और जो पुरानी वीडियो है यूट्यूब पे कैपिटल बस्टिंग का वहां से आपको हिंट मिल जाएगा और ये सारी मैं उन वीडियो का डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि लेटेस्ट वीडियो है ठीक है तो ये सारी के सारे सिनेरियो कैपिटल बस्टिंग को लेके था तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना आपने आप ये मान के चलिए जिन बच्चों ने स्टडी स्टार्ट नहीं किया वो तो भैया मुझे अस्सी पढ़ना है मुझे सौ चाहिए ही नहीं चाहिए मुझे सौ 80 पे फोकस करिए आप बस मेरा ये कहना होगा और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा जो बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं जैसे कि लाइव क्लासेस चल रही हैं उनकी और अब थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली उनका मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ लाइव क्लासेस का लाइव क्लास लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें गिवन है एग्जाम ओरिएंटेड बैच अभी स्टार्ट है जिसके अंदर आपको 30 घंटे 30 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि आपका इस हिसाब से कोर्स कस्टमाइज किया है कि 30 आवर में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चंस मतलब उसमें कुछ चीजें शॉर्ट कर दी है हमने शॉर्ट कैसे करा हुआ है क्वेश्चंस का ड्यूरेशन कम कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार लगा दिया है ये सारी चीजें कर दी तो जो बच्चा अफोर्डेबल लगता है और हमारे प्राइस जो रहता है वो 300 से 500 के बीच में वेरी करता है डिस्काउंट कूपन वगैरह वो मैनेजमेंट का काम है जो कि देखते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पे आप बात करके ले सकते हैं थर्टी आवर थर्टी आवर यानी आप मान के चलो अगर आप पांच पांच घंटे पढ़ते हो तो छह दिन के अंदर आपका इंक्लूडिंग टेन ईयर को सब चीज है उसके अंदर अवेलेबल ठीक है बाकी यूट्यूब वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो तो मैं उसके हिसाब से आपको मैंने सारी चीजें बताया होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस मत तोड़िएगा इसी सीक्वेंस में चलिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मैं आगे हर चैप्टर का वेटेज वाई किस टाइप से टॉपिक आएंगे क्या उसके अंदर भी टॉपिक्स है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में